देखिए बच्चों, आज हम लोग टेस्ट कर रहे हैं आमला और छार का लिटमस पेपर पे, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास लिटमस पेपर है और इसको हमने तीन जगह पे ऐसे स्ट्रिप इसकी रख ली है। अब देखिए हमारे पास तीन चीज़ें हैं, एक खाने वाला सोडा है उसका घोल, ये हमने घोल के रखा है इसको, और एक है पानी और एक नींबू। अब तीनों को बारी बारी से चेक करते हैं कि लिटमस पेपर का कलर कैसा होता है। ये देखिए लिटमस पेपर की स्ट्रिप है, मतलब जैसा उसका कलर आएगा उसी हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि ये चीज़ क्या है, अम्ल है कि क्षार है, और उसके बाद हम और कुछ देखेंगे। ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे पहले हम खाने वाले सोडे का घोल डालते हैं लिटमस पेपर पे, देखिए आप लोग इसका कलर कैसा होता है, पहले देखेंगे। देखिए इसका कलर बदल रहा है, अब देखिए इसका कलर देखिए हल्का हरा हो रहा है, आप देख रहे हैं, ये हल्के हले हरे कलर की पट्टी हो गई है। तो हरे कलर की पट्टी किधर आपको दिख रही है, यहाँ पे 7-8 ये सब में दिख रही है ना, तो 8 और 9 के बीच में यही कहीं देखिए इसका कलर ठहर रहा है हरा कलर, ठीक है, हल्का हरा कलर है। और इसके बाद देखिए अब नींबू का टेस्ट करते हैं। अब नींबू हमारे हाथ में है, अब इसका रस हम लिटमस पेपर पे डालेंगे। नींबू का रस, देखिए जैसे ही नींबू का रस इसमें गिर रहा है, आप देख रहे हैं पट्टी का रंग कैसा होता जा रहा है, रेड। एक मिनट, देख रहे हैं जैसे हमने नींबू का रस डाला, बहुत लोगों को आपने देखा होगा नजर उजर टोना, ये लोग झाड़ते हैं तो क्या करते हैं, नींबू में सुई चुभो देते हैं और फिर नींबू में से खून निकलने लगता है, आपने टीवी में देखा होगा या गांव में ओझा ओझा जो करते हैं ना, तो नींबू में सुई चुभो देते हैं कोई केमिकल डाल के और फिर नींबू का रस जो है ऐसे ही लाल कलर का हो जाता है। फिल्म में है, दिखाया गया है। अभी हमने देखा, देखिए ये पट्टी तो हरी हो गई जिसमें हमने सोडा डाला था, लेकिन जिसमें नींबू डाला है देखिए ये एकदम लाल जैसी हो गई है। तो आप देख रहे हैं ये कलर आपको इसमें कहाँ मिल रहा है, मोबाइल पे 0 और 1 इसके आसपास। तो इसका मतलब ये जो है नींबू का रस ये बहुत ही तेज अम्ल है, कहने का मतलब ये बहुत अम्ली है। 7 के नीचे रहेंगे तो आप अम्ली रहेंगे और 7 के ऊपर रहेंगे तो क्षारी रहेंगे, ठीक है। तो देख रहे हैं इसका कलर कैसा हो गया है, थोड़ा उजाला छोड़ दीजिए इसको, हाँ ठीक है। अब देखिए अब पानी डालते हैं, पानी डालेंगे बच्चों, तो आप देखेंगे जैसे पानी से कोई चीज़ भिगो देते हैं तो गीली हो जाती है, लेकिन इसके कलर में कोई चेंज नहीं हुआ, आप देख रहे हैं कलर जैसा था वैसा ही रह गया। इसका मतलब पानी जो है वो ना तो अम्ली है और ना ही क्षारी, वो न्यूट्रल है। लेकिन ये देखिए नींबू कैसा लाल हो गया था, अब देखिए नींबू की पट्टी के ऊपर हम लोग ये जो खाने वाला सोडा है इसको डालते हैं और देखते हैं क्या होता है, जो पट्टी लाल हुई थी लिटमस पेपर की, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए हमने खाने वाला सोडा डाल दिया और जैसे ही खाने वाला सोडा डाल दिया, देखिए जो लाल कलर था हरा हो गया, वो कलर धीरे धीरे गायब हो गया और जैसे लिटमस पेपर शुरू में था ऐसा वैसा ही हो गया, फिर से वैसा हो गया। इसका मतलब जो अम्ल हुआ था उसको हमने छार डाल के फिर से न्यूट्रल कर दिया। अब देखिए इसमें अगर फिर नींबू डाल दें तो अभी तो इसमें छार पड़ा ही हुआ है, तो ये अम्ल और छार मिलकर के न्यूट्रल हो रहा है। लेकिन अगर इसमें नींबू डाल दें, देखिए तो ये लाल, इसमें नींबू डालते हैं तो ये लाल हो जा रहा है, क्योंकि अम्ल पड़ेगा तो लिटमस पेपर लाल हो जाएगा, और लाल लिटमस को अगर उसमें छार डाल देंगे तो फिर से अपने मूल कलर में वापस लौट आएगा। देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए कैसे अपने कलर में वापस आ जा रहा है। तो जो अम्ल डालने से, नींबू का रस डालने से लाल हुआ था, देखिए छार डालने से फिर वो अपने मूल कलर में आ गया, जैसा शुरू में था वैसा ही हो गया। तो इस तरह से हमने लिटमस पेपर पे टेस्ट करके देखा कि क्या अम्ल है और क्या क्षार। तो नींबू का रस हो गया अम्ल और खाने वाला सोडा हो गया क्षार, और जो पानी था वो ना अम्ल और ना क्षार। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, ताली बजाइए।